हम जा रहे हैं पालक पनीर बनाने। इसके लिए हम पालक काट रहे हैं, इसको उबालेंगे, काट के उबालेंगे। उसके बाद इसको उबाल के पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाना है इसीलिए इसको मोटे मोटे काट रहे हैं, नहीं तो साग बनाना होता तो इसको बारीक से काटना पड़ता। साफ कर रहे हैं अच्छे से, इसको पहले धोएंगे। धोने के बाद इसको उबालने के लिए रखेंगे कुकर में। उबालने के लिए इसमें गिलास पानी डाल रहे हैं। तीन प्याज काटी हूँ, इसमें पीसने जा रहे हैं पेस्ट बनाने। तीन टमाटर भी है, एक पोटा लहसुन है और अदरक भी है थोड़ा सा। इसमें दो हरी मिर्ची है, इसको जा रहे हैं पेस्ट बनाने। अब मेरा पेस्ट तैयार हो गया है। इधर कढ़ाई भी गर्म हो गया है, तेल भी गर्म हो गया है। इसमें मैं तेजपात डाल रही हूँ, फिर थोड़ा सा जीरा डालूँगी। दो मिर्ची डाल रहे हैं, पेस्ट को इसमें डालेंगे, फिर भूनेंगे। मसाला थोड़ा भूनेंगे थोड़ा देर, और तब इसमें पालक डालेंगे। इसमें तीन चम्मच मसाला डालेंगे, सारे है इसमें मसाला मिक्स है, धनिया और गरम मसाला सारी चीज मिक्स है इसमें। तीन चम्मच डालेंगे भर भर के, बस। कुकर में दो सीटी लगा लिए हैं पालक को, पालक तैयार है। अब पालक को हम पेस्ट बनाएंगे, मिक्सी में जार में रख के पीसेंगे इसको। पहले पेस्ट बना लेते हैं। उधर पालक पीस लिए हैं, मसाला तैयार हो गया है, इसमें पालक डाल रहे हैं, पालक का पेस्ट। फिर उसको भूनेंगे। ये इसमें कितना अच्छा कलर आ गया। अब इसको भून के इसमें पनीर डालेंगे। पनीर काट रहे हैं, पनीर को भी काट के यहाँ रखे हैं। फिर इसमें पनीर डालेंगे। पानी डाल रहे हैं इसमें, पानी डाल के तो फिर पनीर डालेंगे। पनीर डाल के फिर थोड़ा देर पकेगा। पनीर डाल रहे हैं, पनीर डाल के 3-4 मिनट तक इसको पकने देंगे। इसमें अब हमारी पालक पनीर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। Thank you.